हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज जानेंगे सभी तरह की कॉमन डिसीज के बारे में कि कौन कौन सी कॉमन बीमारियां हैं। हम बहुत सारी बीमारियों के बारे में आज जानेंगे, साथ साथ ये जानेंगे कि बीमारियां क्यों हो जाती हैं, इसके कारण क्या हैं और इसका क्या इलाज है। आज सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, आप नर्सिंग डिपार्टमेंट से हैं या आप मेडिकल में कोई सा भी वर्क कर रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमारी जो डिसीज़ आती है, कॉमन डिसीज़, वो आती है मलेरिया, मलेरिया फीवर। तो ये जो होता है एक इन्फेक्शन डिसीज़ होती है जो कि फीमेल एनाफेलिस मच्छर से काटने से हो जाती है। फीमेल एनाफेलिस मॉस्किट होता है, एक मच्छर होता है जो काट लेता है किसी भी व्यक्ति को, तब ये हो जाती है। और इसके अंदर जो वायरस होते हैं, वो दो वायरस होते हैं मेनली, एक होता है प्लास्मोडियम वाइवैक्स और एक होता है फिलास्फोरियम मलेरिया। ये दो तरह के इसके अंदर वायरस होते हैं जिससे ये पनपने लगता है बॉडी के अंदर। अब बात कर लेते हैं तो इसके सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या परेशानियां होने लगती हैं अगर किसी को मलेरिया होता है, क्या क्या सिम्टम उसमें देखे जाते हैं। तो सबसे पहला होता है फीवर, हाई फीवर, मतलब फीवर आता है, बुखार आता है जाड़े के साथ। और उसके बाद उसे होती है कफ, खांसी, खांसी भी होने लगती है। फिर होती है बर्निंग मॉइस्चुरेशन, बर्निंग मॉइस्चुरेशन का मतलब होता है जलन से पेशाब आने लगता है जब किसी को मलेरिया होता है। और चौथा इसका जो सिम्टम्स होता है वो होता है वोमिटिंग, मतलब उल्टी, उल्टियां भी आने लगती हैं। तो ये चार इसके सिम्टम्स होते हैं जो कि कॉमनली देखे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या इलाज दिया जाता है अगर किसी को मलेरिया हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो टेबलेट दी जाती है वो दी जाती है मेलेराइड डीएस टेबलेट, आप देख सकते हैं। इसके अंदर पेरिक्लोरिन होता है और ये जो होती है मलेरिया को दूर करने की मेडिसिन होती है। इसकी रोज एक टेबलेट जो है पेशेंट को दी जाती है उसकी एज के अकॉर्डिंग और जो है उसकी वजन के अकॉर्डिंग। अगर कोई एडल्ट है तो उसको पूरी टेबलेट दे दी जाएगी और अगर कोई बच्चा है तो उसको ये आधी टेबलेट दी जाती है। और साथ में बुखार आता है, हमने जैसे आपको बताया कि जाड़े से बुखार आता है, तो उसके लिए कालपोल 500 mg में टेबलेट जो आती है ये दी जाती है दिन में 3 बार। और जो है उल्टी भी आने लगती है तो उल्टी के लिए वोमिकाइड MD नाम की एक टेबलेट आती है जो कि पेशेंट्स को दी जाती है। जब भी उसे उल्टी आती है तभी ये एक टेबलेट दी जाती है। और इन दवाइयों को खाने के बाद कभी कभी एसिडिटी होने लगती है तो उसके साथ में एक एंटासिड टेबलेट लगाई जाती है जो कि पेंटा 40 के नाम से आती है, आप देख सकते हैं मैनकाइंड कंपनी की। ये दी जाती है सुबह दोपहर शाम ताकि पलटी नहीं आए। और साथ में एक दी जाती है लिव 52, क्योंकि ये मलेरिया जो है लीवर पे भी अटैक करता है। तो लिव 52 जो हिमालय कंपनी की आती है ये टेबलेट दी जाती है सुबह दोपहर शाम एक एक पेशेंट की एज और वजन के अकॉर्डिंग। और उसके बाद दोस्तों एक इंजेक्शन भी लगाया जाता है मलेरिया को दूर करने के लिए जो कि मैच नाम का इंजेक्शन आता है, आप देख सकते हैं ये मैच इंजेक्शन होता है। ये एक दिन छोड़ के पेशेंट के 3 दिन जो है इंजेक्शन लगाया जाता है। और ये सारा कोर्स जो होता है, पूरा ट्रीटमेंट, ये 7 दिन तक दवाई खिलाई जाती है और जो है एक दिन छोड़कर इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इलाज करने के बाद जो है ये डिसीज़ ख़त्म हो जाती है। फिर नेक्स्ट आती है दोस्तों हमारी डेंगू, डेंगू डिसीज़, जो कि अब इस टाइम सीजन आने वाला है तो ये भी आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये डेंगू डिसीज़ जो होती है एक एंटीवायरल डिसीज़ होती है। और ये जो होती है ये फीमेल एडिस मच्छर के काट लेने से होती है। फीमेल एडिस मॉस्किट होता है एक, जो कि अगर किसी व्यक्ति का काट लेता है तो जो है डेंगू हो जाता है। दोस्तों ये जो है मच्छर छोटा मच्छर होता है और इसके ऊपर हरे हरे निशान होते हैं, ये इसकी पहचान होती है। और ये करीब ज़मीन से 3 से 4 फुट ऊपर ही बस उड़ता है, उससे ऊपर नहीं उड़ता। और ये शाम के वक्त निकलते हैं, इनके काट लेने से जो है डेंगू हो जाता है। अब बात कर लेते हैं क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं, क्या क्या निशानियां देखी जाती हैं जब किसी को डेंगू हो जाता है। तो उसको जो है दोस्तों लो फीवर, मतलब हल्का बुखार रहेगा और हेडेक, सिर में दर्द भी रहेगा उसके, और मसल एंड जॉइंट पेन, मतलब उसके पूरे हड्डियों में दर्द होगा और मांस में सब में दर्द, खिंचाव होगा। उसके बाद है वोमिटिंग, उल्टियाँ होंगी और रैशेस, पूरी बॉडी पे रैशेस होने लगेंगे, चकत्ते पड़ने लगेंगे। और लास्ट में दोस्तों प्लेटलेट्स डाउन, प्लेटें जो होती हैं, जिसे प्लेटलेट्स आम भाषा में हम प्लेटें बोलते हैं, वो कम होने लगती हैं काफ़ी तेज़ी से, जो है प्लेटलेट्स कम होने लगती है इसमें डिसीज़ में। और अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है डोलो टेबलेट दी जाती है बुखार को कम करने के लिए। डोलो 650 mg में टेबलेट आती है जो कि सुबह दोपहर शाम दी जाती है पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग, कितनी एज है और कितना वजन है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके दी जाती है।
उसके बाद दी जाती है लिव 52 टेबलेट, क्योंकि ये लीवर पे भी अटैक करता है, तो दिन में 3 बार ये लिव 52 टेबलेट दी जाती है, और पेंटा 40 टेबलेट दी जाती है ताकि एसिडिटी नहीं हो, बदहजमी नहीं हो। और इसमें जो है उल्टियाँ भी आती हैं, तो वोमिकाइंड MD टेबलेट आती है, ये दी जाती है जब भी उल्टी आती है ज़रूरत पड़ने पर, और इसमें प्लेटें जो है बहुत कम होने लगती हैं प्लेटलेट्स, तो उसके लिए कैरी पिल टेबलेट आती है, ये रात को सोते टाइम एक पेशेंट्स को दी जाती है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी होने लगती है इस डिसीज़ में, तो बोतल भी लगा दी जाती है, ड्रिप लगा दी जाती है, तो सिर्फ एक या दो ड्रिप लगाई जाती हैं, जो कि RL, उसके अंदर MVI एम्पुल जो आता है मल्टी विटामिन इंजेक्शन, वो डालकर जो है उसको लगा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये एक एंटीवायरल डिसीज़ होती है, तो इसमें एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं होता, कोई रोल नहीं होता, बस सिम्टम्स को रोकने के लिए मेडिसिन चलाई जाती है, इसमें किसी भी तरह का एंटीबायोटिक इंजेक्शन या टेबलेट देने की ज़रूरत नहीं होती। और इसका जो इलाज चलता है वो 8 दिन से 15 दिन के तक जो है इसका इलाज चलता है, हमारी मेडिसिन आती है। तो फिर दोस्तों, नेक्स्ट हमारा डिसीज़ आती है जॉन्डिस। जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया। दोस्तों, ये पीलिया जो होता है ये भी काफ़ी घातक डिसीज़ होती है, और ये जो हो जाता है इसके कॉजेज जो होते हैं, ये हो जाता है एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, मतलब लीवर के ऊपर काफ़ी सूजन होने लगती है किसी वजह से, खाने पीने की वजह से अगर सूजन होती है किसी व्यक्ति के, तब उसे ये देखा जाता है उसमें, या फिर गाल ब्लेडर इन्फेक्शन। दोस्तों, गाल ब्लेडर इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे लीवर के पास में गाल ब्लेडर एक ऑर्गन होता है, अगर उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कारण से भी ये जो है हो जाता है जॉन्डिस, या फिर इंक्रीज बिलूरबिन। दोस्तों, इंक्रीज बिलूरबिन, हमारे अंदर एक बिलूरबिन नाम का केमिकल होता है जिसकी मात्रा बढ़ जाती है, तब भी जो है ये पीलिया हो जाता है। और उसके बाद होता है हिमोटिलिट अनेमिया, मतलब अनेमिया, खून की अगर कमी है किसी व्यक्ति के अंदर तो उसको भी जो है जॉन्डिस हो जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके सिम्टम्स के बारे में, कि क्या क्या जो है परेशानियाँ होती हैं किसी को अगर ये हो जाता है तो, क्या क्या दिक्कत होती है, सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है भूख ना लगना, भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी। फिर उसके बाद वीकनेस, मतलब कमज़ोरी। फिर उसके बाद येलो आइस, मतलब आंखें पीली होने लगती हैं, जैसा आप जानते हैं कि पीलिया में जो है आंखें पीली होने लगती हैं। फिर उसके बाद नोसिया, नोसिया का मतलब होता है जी मचलाना, उबकाई सी आना। उसके बाद वोमिटिंग, वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी आना, तो उल्टी भी आने लगती है। और उसके बाद एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट में दर्द भी होने लगता है किसी को अगर डेंगू हो जाता है तो। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के, इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो हमें टेबलेट दी जाती है, जो कि जॉन्डिस को कम करने की में दवा होती है, वो होती है हेपामर्स टेबलेट। ये टेबलेट भी आती है और इंजेक्शन भी आता है, काफ़ी महंगी टेबलेट होती है। तो ये जो है पेशेंट को दी जाती है रोज़ एक, उसकी एज के हिसाब से। और उसके बाद दिया जाती है पेंटोप DSR कैप्सूल, क्योंकि उल्टियाँ भी आने लगती है, गैस भी बनती है, तो पेंटोप DSR कैप्सूल दिया जाता है सुबह शाम एक एक। और उसके बाद कोई एंटीबायोटिक हल्की मुल्की दे दी जाती है इसमें, बाकी इतना रोल नहीं होता एंटीबायोटिक का। तो सिप्लोक 250 mg में आती है, तो वो हम दिन में 3 बार पेशेंट्स को दे सकते हैं उसकी एज के हिसाब से और वेट के हिसाब से। और उसके बाद आती है न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल आता है, जो रात में एक बार दिया जाएगा, ये ताकत कमज़ोरी को दूर करने का कैप्सूल होता है, क्योंकि जॉन्डिस में जो है कमज़ोरी भी होने लगती है। और इसका जो इलाज चलता है वो 7 दिन से लेकर 10 दिन के बीच जो है, ये सारी मेडिसिन अगर दी जाए पेशेंट को तो उसका जो है ये जॉन्डिस की बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर दोस्तों, नेक्स्ट हमारी जो डिसीज़ आती है वो आती है टाइफाइड फीवर, जो कि आजकल हर तीसरे इंसान को है, बहुत ही घातक बीमारी होती है टाइफाइड, आप जानते होंगे। ये जो होती है एक एक्यूट कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है, और इसके अंदर जो वायरस होता है वो होता है साइमोनिला टाइफी नाम का, इसके अंदर जो होता है वायरस होता है जिससे ये पनपता है। और इसके जो कॉजेज होते हैं, मतलब कारण होते हैं क्या किस वजह से होता है, तो वो होता है कल्टीमिनेटेड वाटर एंड कल्टीमिनेटेड फूड, मतलब जो है दूषित पानी और दूषित खाने की वजह से हो जाता है। ऐसा पानी जिसके अंदर इम्प्योरिटी वगैरह हो, गंदगी हो, या ऐसा खाना जिसके अंदर गंदगी हो, इम्प्योरिटी हो, हम उसे खा लें तो गंदगी हमारे पेट में चली जाती है, तो उसकी वजह से हमें जो है टाइफाइड हो जाता है। और या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्ट पर्सन, मतलब अगर किसी को पहले से टाइफाइड है उसके हम कॉन्टैक्ट में आते हैं तब भी हमें ये डिसीज़ हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, कि क्या क्या सिम्टम्स हैं इसमें जो इसमें देखे जाते हैं। तो सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है वो होता है लो फीवर, मतलब हल्का बुखार रहेगा, कभी बुखार तेज़ होगा कभी हल्का होगा, 24 घंटे में 2 या 4 बार जो है बुखार आना होता है, फिर जाएगा फिर आएगा, इस तरह से आता रहता है झटकों में। उसके बाद दूसरी परेशानी होती है वीकनेस, और उसके साथ साथ होती है वोमिटिंग, मतलब उल्टी, और कफ खांसी भी होने लगती है, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, मतलब जो है
डायरिया हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं और कॉन्स्टिपेशन कब्ज भी होने लगती है, और लास्ट में परेशानी होती है लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब जो है भूख भी नहीं लगती है। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि टाइफाइड में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले तो बुखार रहता है, तो इसलिए सबसे पहले हमें कालपोल जो होती है पैरासीटामोल जिसके अंदर होता है 500 mg, ये टेबलेट दी जाती है सुबह दोपहर शाम। फिर एक दूसरी टेबलेट दी जाती है ली 52 टेबलेट, ये भी सुबह दोपहर शाम दी जाती है पेशेंट की एज के और वजन के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद एंटीबायोटिक दी जाती है जिसमें एंटीबायोटिक जो है इस टाइफाइड को कम करती है, जिसमें सिफोडोक्साइम प्लस ऑफ्लोक्सासिन 200 mg 200 mg की ये डबल साल्ट मेडिसिन आती है। इसके अंदर सिफोडोक्साइम होता है और ऑफ्लोक्सासिन होता है। तो ये किसी भी तरह का ब्रांड नेम की पेशेंट को दी जा सकती है, यही होती है जो कि टाइफाइड के वायरस को ख़त्म करती है। और उसके बाद एक ओंडास्ट्रोन टेबलेट दी जाती है, ज़रूरत पड़ने में कभी अगर उल्टी आने लगती है बाय चांस तो ये दी जाती है। और एक एंटासिड टेबलेट दी जाती है पेंटा 40, और लास्ट में जो है कभी कभी कमज़ोरी भी होने लगती है तो रात में सोते टाइम एक कैप्सूल दिया जाता है, वो होता है बी कसूल कैप्सूल, जो कि एक मल्टी विटामिन कैप्सूल होता है बी कॉम्प्लेक्स, ये रात को सोते टाइम पेशेंट्स को दिया जाता है। और अब बात करें इसका कोर्स कितने दिन होता है, तो अगर 160 आया है वायरस, अगर 160% आया है तो जो है 7 दिन दवाई दी चलाई जाती है, और टाइफाइड अगर 320 में आया है पॉजिटिव तो 15 दिन ये दवाई चलाई जाती है। तो इस तरह से जो है टाइफाइड का इलाज किया जाता है। फिर अगले हमारी डिसीज आती है, वो आती है नमूनिया। दोस्तों ये नमूनिया डिसीज़ है, ये जो होती है बहुत ज़्यादा तेजाद में आजकल हो रही है नमूनिया, बच्चों में और बड़ों में सब में देखी जा रही है। ये एक एंटी बैक्टीरियल एंड एंटीवायरल डिसीज़ होती है, और ये जो होती है इसके जो कॉजेज होते हैं किस किस तरह से ये हो जाती है, तो जैसे किसी के लंग इम्यूनिटी लो, अगर किसी के जो है फेफड़ों के अंदर जो है कैपेसिटी कम हो गई, फेफड़ों की मतलब जो है फेफड़े कमज़ोर हो गए, जैसे ओल्ड एज के लोग अगर उनके फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं तो उनमें ये देखी जाती है। या फिर वेदर चेंज, अगर मौसम एक अचानक से चेंज हो जाए, कभी गर्म कभी ठंडा, तब भी ये हो जाती है। या फिर अल्कोहल स्मोकिंग, अगर कोई अल्कोहल कर लेता है, ड्रिंक करता है या फिर स्मोकिंग करता है, सिगरेट वगैरह पीता है, तब भी हो जाती है। या फिर अदर इन्फेक्शन लंग्स, मतलब अगर लंग्स में कोई और पहले से इन्फेक्शन है किसी के, जैसे ब्रोंकाइटिस वगैरह है या मवाद जमी हुई है, उस कंडीशन में भी हो जाती है। या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर किसी को तरह से कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आ जाता है तो उसके कारण से भी ये हो जाती है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, जैसे कि चेस्ट पेन, आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं इमेज में, चेस्ट पेन के फेफड़ों में वो चेस्ट में जो है सीने में दर्द होने लगता है, और कफ खांसी होने लगती है, फीवर मतलब बुखार भी रहता है इसमें, और रनिंग नोज, नाक बहने लगती है, नाक नहीं रुकती, और वोमिटिंग उल्टी होती है, और हेडेक मतलब जो है सिर में दर्द भी होने लगता है। तो ये सारे सिम्टम इसमें देखे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि ट्रीटमेंट क्या 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 होते हैं इसमें इसका। तो इसमें एक कोल्ड टेबलेट दी जाती है, जैसे कि एल्केम कोल्ड, और इसके अंदर जो है एमरोक्सिल होता है, और जो ये रोकती है नमूनिया का असर को रोकती है। साथ में एक एंटीबायोटिक टेबलेट दी जाती है जो कि लेंजोलाइट के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी, कई तरह के ब्रांड नेम से आती है, 600 एमजी में होती है, ये दी जाती है सुबह शाम पेशेंट की एज और वजन के अकॉर्डिंग। यहाँ हम आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं बता रहा, लेकिन एक आईडी से बताना है, एक अपने अनुभव से बता रहा है कि सुबह शाम टेबलेट दी जाती है एडल्ट को, बच्चों को आधी आधी दी जाती है। उसके बाद पेंटो 40 टेबलेट जो कि एंटासिड टेबलेट होती है, जो कि एसिडिटी को रोकती है, क्योंकि एसिडिटी भी होने लगती है। उसके बाद डेरी फाइलिन टेबलेट जो कि एक एंटी अस्थमिक टेबलेट होती है, जो कि खांसी को रोकती है, 100 mg में डेरी फाइलिन ये टेबलेट दी जाती है। और एक मोन्टुला कास टेबलेट आती है जो एक एंटी एलर्जिक टेबलेट होती है, रात में सोते टाइम एक पेशेंट को दी जाती है, और साथ में एक इंजेक्शन भी लगाया जाता है, क्योंकि नमूनिया जो है काफ़ी घातक बीमारी होती है, इसको रोकने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है जिसके अंदर सिफ्रेडोक्सोन एंड सेल्बेक्टम होता है। तो ये कोई से भी किसी भी ब्रांड नेम का चल जाएगा, और ये सारी दवाई दी जाती है, और करीब 10 से 12 दिन तक ये इलाज चलता है, तो जो है नमूनिया की परेशानी ख़त्म हो जाती है। फिर आती है दोस्तों परेशानी अगली डिसीज़, वो आती है पल्स मतलब बवासीर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ रही है। तो इसके जो कारण होते हैं, कॉजेज होते हैं, वो होते हैं टाइट स्टूल पासिंग, मतलब जो है किसी को अगर टॉयलेट जो है बहुत टाइट उतरती है, जोर लगाते हैं, तो उस कंडीशन में जो है ये हो जाती है प्रेशर की वजह से। या फिर हीट जनरेट ऑन साइट मतलब ऑन सीट, मतलब जो है जैसे हम कहीं सीट वगैरह पे बाइक पर या कहीं बैठते हैं, तो हमारे नीचे की जगह पे बहुत ज़्यादा
गर्मी पैदा हो जाती है तो उस कंडीशन में भी ये हो जाती है लगातार बैठने से किसी जगह पर, या फिर ब्लड वेसल पंचर, जैसे हमारे को ब्लड वेसल पंचर हो जाती है एनस के साइड की टॉयलेट की जगह की पंचर हो जाती है तो उस कंडीशन में भी ये हो जाती है, या फिर दोस्तों एक मिनट होल्ड कीजिए, या फिर जो है कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन अगर कब्ज होती है पेट में तो उस कंडीशन में भी ये हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इसके सिम्टम्स होते हैं जैसे कि पेन इन एनस, एनस मतलब लेटरिन की जगह को एनस बोला जाता है इंग्लिश में, तो दर्द रहता है एनस में और ब्लीडिंग, खून भी आने लगता है बहुत ज़्यादा टॉयलेट में, और ईचिंग, खुजली भी होने लगती है, और स्वेलिंग इन एनस, एनस के ऊपर सूजन भी देखी जाती है, और जो है वीकनेस, कमज़ोरी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होने लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि बवासीर वाले पेशेंट्स के अंदर देखे जाते हैं। हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के। तो जैसे हमने बताया कि दर्द होने लगता है एनएस की जगह, तो उसमें जीरोडोल एसपी टेबलेट दी जाती है, सुबह दोपहर शाम एक पेशेंट्स को टेबलेट दी जाती है, साथ में पेंटा 40 टेबलेट जो कि एसिडिटी को दूर करने के लिए दी जाती है, और फिर दी जाती है बवासीर को कम करने के लिए, उसके दर्द को और ब्लीडिंग को कम करने के लिए पाइलेक्स टेबलेट, जो कि आप देख सकते हैं इस तरह की पाइलेक्स टेबलेट आती है आयुर्वेदिक, ये दी जाती है, और एक टेबलेट दी जाती है इथैमसिलैड 500 mg में, जो कि ब्लड को रोकती है, ये रात को एक बार दी जाती है, और एक पाइलेक्स क्रीम आती है जो कि एनएस के अंदर की तरफ लगा दी जाती है, जिससे जो है काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाती है। और ये दवाई जो चलती है, इसमें मेडिसिन 8 से 10 दिन तक इसका कोर्स होता है, उसके बाद जो है ये परेशानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट और हमारी लास्ट डिसीज़ आती है, वो आती है किडनी स्टोन, मतलब गुर्दे में पथरी, एक तरह की डिसीज़ नहीं होती है कि इन्फेक्शन मान लीजिए इसको, या हम डिसीज़ भी कह सकते हैं। तो ये किडनी स्टोन जो कि आजकल ज़्यादातर लोगों को देखी जा रही है, तो ये किस तरह से होती है ये भी हम आपको बता देते हैं। इसके जो कॉजेज़ होते हैं, कारण, वो होते हैं कल्टीमिनेटेड वाटर, मतलब गंदे पानी पी लेने की वजह से, जो गंदे पानी के अंदर इम्प्योरिटी होती है, किडनी पान का चिपक जाती है, तो उसकी वजह से भी जो है हो जाती है, या फिर पोल्यूशन, किसी तरह का धूल, मिट्टी का पोल्यूशन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, धूल वगैरह, तो उससे भी हो जाती है, या फिर किडनी प्रॉब्लम, अगर किडनी में कोई इन्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है किडनी में, गुर्दे में, उसकी वजह से भी हो जाती है, या फिर यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, अगर यूटीआई इन्फेक्शन है पहले से तो उसकी वजह से भी हो जाती है, या फिर ब्लड में कोई इन्फेक्शन, अगर खून में कोई इन्फेक्शन होता है, गंदगी होती है, तो उसके भी, उसकी वजह से भी हो जाती है, क्योंकि हमारी किडनी जो है खून को फिल्टर करती है, तो खून के अंदर कोई दिक्कत होती है तब भी ये हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या सिम्टम्स हैं जो देखे जाते हैं किडनी वाले पेशेंट्स को, किडनी स्टोन वाले को। सबसे पहले होती है किडनी सेवर पेन, पेन मतलब जो होता है बहुत तेज़ी से गुर्दे में दर्द होने लगता है अचानक से, और उसके बाद वोमिटिंग, उल्टी आने लगती है, फिर उसके बाद एसिडिटी, गैस भी होने लगती है, और वीकनेस, कमज़ोरी भी होने लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं उसमें देखे जाते हैं। और उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख भी नहीं लगती किडनी वाले को, और ब्लड इन यूरिन मतलब पेशाब में भी कभी कभी जो है खून आने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं उसके अंदर देखे जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं गाइस कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों इसका ट्रीटमेंट जो होता है कई तरह से होता है, एक तो ऑपरेशन के ज़रिए होता है, या फिर ओरल मेडिसिन खाने की वजह से, ठीक है ना। तो इसमें हम बात कर लेते हैं ओरल मेडिसिन की। तो सबसे पहले जो हमें, अगर अचानक दर्द हो जाता है किसी गुर्दे की पथरी में, रात बिरात उठ जाता है, तो उसको दी जाती है नोवल स्पास टेबलेट, जो कि पथरी के दर्द को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देती है, या फिर इससे अगर बात नहीं बन पाती तो एक एनाफोटान करके टेबलेट आती है, जिसके अंदर पैरासीटामोल भी होता है जो कि बुखार को भी उतारती है, तो एनाफोटान टेबलेट दे दी जाती है। और कभी कभी इन दोनों टेबलेटों को देने के बाद भी दर्द नहीं रुक पाता, क्योंकि काफ़ी घातक दर्द होता है पथरी का, तो उसमें सुपर स्पास इंजेक्शन आता है, अगर उसको लगा दिया जाए तो पथरी के दर्द को काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं पथरी को निकालने की दवाई। तो दोस्तों पथरी के निकालने के लिए ज़्यादातर होम्योपैथिक दवाइयाँ आती हैं, जैसे कि R27 काफ़ी अच्छी दवाई होती है, ये 15 mm तक की पथरी को पेशाब के रास्ते निकाल देती है। इसके ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। या फिर आती है बल्बेरिस वर्गेरिस SBL कंपनी की, ये भी जो है पथरी को निकालने में काफ़ी अच्छी है, या फिर क्लियर स्टोन। तो ये तीनों मेडिसिन है जो कि बड़ी से बड़ी पथरी को पेशाब के रास्ते आसानी से निकाल देती हैं। तो ये दोस्तों ये सारी डिसीज़ के बारे में हमने आपको विस्तार से बता दिया। हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी, क्योंकि दोस्तों हमें भी इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, काफ़ी टाइम लगा है। तो हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।